हमने पैकेज भी अच्छा दे दिया है, पैकेज बहुत शानदार दिया है। और भारत सरकार का जो पैकेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है, जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चे अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसके, उसका भी वो 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे, 18 साल के बाद में उनको फिर 30 साल तक देंगे हम लोग उनको, मदद करेंगे, 30 साल होने पर 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे किसी को नहीं मालूम। तो मैं अलग से डील करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ में कि ये आपका पैकेज इफेक्ट जो है, जिसे विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है और आपने बच्चों को 18 साल के बाद देने की बात, 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा? आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या सहायता पहुँचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गए, 1 लाख रुपये तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग, 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रतिमाह, विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये पेंशन के रूप में, और 18 साल के होने पे उसको 5 लाख रुपये देंगे। शिक्षा के और सब अलग है, वो पैकेज के अंदर लिखा हुआ है। तो पैकेज मतलब आज उसके घर में 1 लाख रुपये पहुँचेगा इमीडिएटली, तो उसको थोड़ा संतोष मिलता है। ऐसे जो परिवार गरीब को हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो जिस रूप में पैकेज आया, मैं समझता हूँ उन्हें बहुत सुधार की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। इस रूप में ये बातें सब हो रही है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारे काम किए, और उसका परिणाम ये रहा कि हम हिंदुस्तान में एक संदेश दे सके कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ। और देश के प्रधानमंत्री को भी उस वक्त ये कहना पड़ा कि राजस्थान का जो मॉडल है उसके हिसाब से अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेकर के काम करने चाहिए। मैं समझता हूं दूसरी जब वेव आई तो केंद्र की सरकार ये पहचानने में नाकामयाब रही कि ये दूसरी वेव इतनी खतरनाक हो सकती है, वो इस तरीके से आ सकती है, और जो व्यवस्थाएं केंद्र की सरकार को करनी चाहिए थी, जो हम सबको अलर्ट करना चाहिए था, वो लोग बात नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो दूसरी वेव खतरनाक आने के बावजूद भी, जो वैक्सीन लगाने की बात हो उन सारी व्यवस्थाओं में राजस्थान की सरकार ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम एनजीओस को, तमाम धर्म गुरुओं को, सबको साथ लेते हुए एक शानदार तरीके से एक मिशन के रूप में काम किया, और उसका परिणाम ये रहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारा जो रेशियो है, चाहे वो वैक्सीन लगाने का रेशियो हो, चाहे वेस्टेज वैक्सीन कम हो इसकी बात हो, चाहे अन्य सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तमाम में हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रहे, और जैसे तैसे हमने कैसे भी करके दवाइयां भी सब लोगों को उपलब्ध कराई, और जो हॉस्पिटल तक आए उन लोगों को इलाज कराने में भी हमारे कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ी। एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहूंगा जो अन्य स्टेट्स का आंकड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उनसे हम बहुत बेहतर हैं, कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको जो पंजीकृत थे उसकी 90.9% हम लोगों ने जो पंजीकृत थे उसके वैक्सीन लगाने का काम किया। दूसरा 45 वर्ष से अधिक जो हैं उसमें भी हमने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया है। 60 वर्ष से ऊपर जो लक्ष्य हमने रख रखा था उसमें वैक्सीन कम मिलने के बावजूद भी 92% हमने उस लक्ष्य में हम लोग कामयाब रहे, और 45 से 59 साल के जो आयु के लोग हैं उसमें से भी हम लोग 68.70 के लगभग उस लक्ष्य के अगेंस्ट में हम लोगों ने अचीव किया हमारा लक्ष्य, और 45 से अधिक आयु के सेंसस के मुताबिक हमने 78% लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जो 18 से 44 के लोग हैं उनमें भी 24.44 लाख के लगभग हमने राज्य
सरकार के द्वारा खरीद करके लगाया, मिलिट्री के लोगों को भी हमने दी है, अन्य काम में ये जो आंकड़े हैं ये अन्य स्टेट्स के कोई आंकड़े नहीं हो सकते। दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा निर्णय हमारी सरकार ने जो किया, मैं समझता हूं जो वैक्सीनेशन वेस्ट करने की बात है वो तो 0.8 अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतना अच्छा, इतनी बचत करने का आंकड़ा नहीं हो सकता है। 10% वेस्टेज के लिए कहा, भारत सरकार ने 6% का तक वैक्सीन जो है वो बेकार हुई, और हमारे उस टाइम भी 2% थी और अब तो हम 0.8% यानी 1% से भी नीचे हम हैं। तो ये इनकी बोलती भी बंद होगी, लेकिन इनको चाहिए था कि सहयोग करना चाहिए। ऐसी महामारी में किसी पे लांछन लगाना, किसी सरकार को सहयोग नहीं देना और नहीं दे करके वो झूठे तरीके से उसके ऊपर इलिगेशन लगाना या किसी मंत्री विशेष पे लगाना, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये लोगों के साथ एक तरीके से उस पीड़ा कोरोना के कारण से तो आई, लेकिन हम हमारी आवाज से भी उसको पीड़ा देना चाहते हैं तो ये कतई उचित नहीं है। अभी जो सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम, हमारे जो बच्चे जो कोरोना के कारण से जिसके परिवार में डेथ हुई है उनके लिए जो दी है, उसको मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि हमको गांव गांव, ढाणी ढाणी में, गली गली में ये बात बतानी पड़ेगी, ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा कि जिनका इस योजना का जिनको लाभ मिल सकता है, जो इसके अंदर पात्र हैं, उन लोगों तक हमको ये बात पहुंचा के उनको एक एक व्यक्ति को जाकर के उसका लाभ दिलाना चाहिए। क्योंकि सरकार कोई योजना लेकर के आती है तो वो केवल पार्टी पॉलिटिक्स के लिए लेकर के नहीं आती है, वो सबके वेलफेयर के लिए, सबके कल्याण के लिए लेकर के आती है। तो मैं समझता हूं जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है एक बहुत अच्छी योजना है। केंद्र ने कहा था कि हम 18 साल का होगा तो उसको 10 लाख देंगे, वो कोई फायदे वाली नहीं थी, उससे कोई 18 साल बाद में कौन जिएगा, कौन मरेगा, कब कोरोना की तीसरी लहर आएगी, क्या नहीं होगा, किन बच्चों के स्वास्थ्य का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, कोई उनका कोई मैप नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त में, 18 वर्ष तक हर माह 2500 रुपए, और अनाथ बच्चों के लिए 100 करोड़ का बजट रख करके ये योजना शुरू की गई है। नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन करना 100 करोड़ रुपए का, और फिर वात्सल्य योजना, और उसके बाद में ये जो लालन पालन के लिए वात्सल्य योजना, और फिर देखरेख के लिए आगे समर्थ योजना, एक मुश्त जो है 5 लाख रुपए 18 साल का होगा तो जो अनाथ बच्चे होंगे उनके परिवार को दिए जाएंगे, और जो विधवा हैं जिसके पति खत्म हो गए हैं, उन बच्चों के पिता खत्म हो गए तो वो विधवा होगी, तो उस विधवा को 1500 रुपए पेंशन की देना, 1000 रुपए प्रतिमाह के देना, और 1 लाख रुपए एक मुश्त देना। ये सब चीजें जो है वो ये दर्शाती हैं कि हम सबको साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए, जो इस पीड़ा जिनकी हुई है, जिनके घर में डेथ हुई है, उनको हम किस तरीके से संबल दें, और वो संबल भी इस तरीके का कि उनकी शिक्षा, लालन पालन, उनकी देखरेख, उनके आगे जाकर के पढ़ाई में दिक्कत नहीं आई, उनके ड्रेस के लिए क्या व्यवस्था होगी, उनके स्कूल जाने की क्या व्यवस्था होगी। हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो 25% प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत हम लोग एडमिशन देते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम जो खोल करके जो एडमिशन दे रहे हैं, हम जो विवेकानंद मॉडल स्कूलें हैं उनमें भी हम इन अनाथ बच्चों को, या जो इस कोरोना के कारण से जिनके पति की डेथ हो गई उनके बच्चों को, उन विधवा महिला के बच्चों को हम लोग ये इसके देंगे कि उनमें प्रायोरिटी देंगे कि इनको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिले, अच्छी प्राइवेट स्कूल में मिले, तो 25% जो हमारा RTE का मापदंड है उसके हिसाब से उनको पढ़ने के लिए, उनकी ड्रेस के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि 1 से 8 तक के बच्चों के लिए PAB में हम लेके गए थे, लेकिन कुछ लिमिटेड बजट हमको मिला था, लेकिन 85 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की मद से देख करके जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, SC ST OBC, सबको हम लोग फ्री ड्रेस देंगे। तो इस कोरोना काल में ऐसे जो फैसले हैं, मैं समझता हूं कि सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जो फैसले किए हैं इसकी भूरी भूरी सब जगह प्रशंसा हो रही है, इसमें कहीं कोई मिनमेक वाली बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम जो हमने बनाए थे कोविड के दौरान, जो हमारे जगह जगह पर हमने सेंटर खोले,
और बना करके हमने सबकी जितने मास्क बांट सकते हैं, विधायक एम्बुलेंस दे रहे हैं, सीएससी पीएससी में 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, एमएलए कोटा पूरा का पूरा उसमें देने के लिए तैयार हैं, और हमने तो यहां तक भी हमारे विधायकों ने लिख के दे दिया कि हमारा जितना कोटा है उतना कोटा आप हेल्थ में जरूरत पड़े तो ले लीजिए। तो ये हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत एक अच्छा काम किया जिसके कारण से एक माहौल बना, लोगों में ये लगा कि हाँ सरकार हमारे साथ में है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्थ का इतना अच्छा मजबूत हुआ कि आज लोग ये कह रहे हैं कि भाई भगवान ना ही करे तीसरी वेव आए, लेकिन अगर कहीं कोई संकट आएगा तो राजस्थान में एक ऐसी सरकार है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कि वो बहुत अच्छे तरीके से हमको संभालेगी। एक विश्वास जो जगह है मैं समझता हूं वो अच्छी बात है। एक मैं कहना चाहूंगा पार्टी की तरफ से भी, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत हम लोग 1-2 दिन में इसको बना करके एक प्लान बना करके देंगे कि 30 दिन तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक नेता प्रत्येक कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर के गांव-गांव में जाएंगे, ये जो कोरोना योद्धा के रूप में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, एक एक ब्लॉक में 10-10 लोग चिन्हित कर रहे हैं, फिर जिले के अंदर उनके ऊपर कर रहे हैं, फिर स्टेट में उनको कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। हम एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां कोरोना हुआ वहां पर। हमारा लक्ष्य यही है, हमारी पार्टी का लक्ष्य यही है कि हम लोग उनको पूछें कि भाई आपके कोई डेथ हो गई क्या, पॉजिटिव हुए थे क्या, कितने लोग हुए, आपकी डेथ हो गई तो इन योजनाओं का राज्य सरकार के द्वारा जो योजना है इसकी जानकारी आपको है कि नहीं, इसका लाभ आपको लेना चाहिए, और उनको पंजीकृत कराएंगे, लाभ दिलाएंगे। उसके बाद में आपकी कोई नौकरी गई क्या, आपके भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है, आपके कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खाने की कपड़े की शिक्षा की ड्रेस की बच्चे के लिए और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक कैंपेनिंग चला करके 30 दिन तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म बनता है, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं जो सरकार उनको बेनिफिट देना चाहती है, उनको संबल देना चाहती है, उसको हम लोग जाकर के बताएं। और मैं समझता हूं कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो कोरोना संक्रमित हुआ या उसके कोई नुकसान हो गया किसी भी तरीके का या उसको कोई मदद चाहिए, वो आंकड़ा हम लोग 30 दिन के बाद में हम एआईसीसी को भी भेजेंगे और हमारी सरकार को भी, हम मुख्यमंत्री जी आपको भी प्रेषित करेंगे, जिससे आप एक देख सकें कि किन योजनाओं में कितने लोगों को लाभान्वित हुआ, क्या क्या लोग क्या क्या लाभ चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। कहीं खाने के पैकेट की नहीं हो तो आपने 25 लाख रुपए जो कर रखे हैं मैं समझता हूँ वो एमएलए दे देंगे, एमएलए नहीं देंगे तो सरकार के लिए कोई न कोई व्यवस्था करेगी। इंदिरा रसोई जो अच्छी चल रही है उसमें भी बहुत अच्छी बात है, उसको भी हम लोग इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। जो ऑक्सीजन के हमारे प्लांट लग रहे हैं ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। पीएससी सीएससी मजबूत हो रही है, यहां से स्टेट से भी काफी ऐसा सामान जा रहा है। और मैं एक बात अंत में ये कहना चाहता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। एक दिगर बात है कि हमारी बार बार मांग के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 25 MP जीते, लेकिन वो जाकर के मोदी जी को ये बात नहीं कह सके कि हमको वैक्सीन फ्री दीजिए, ये आपने जो पॉलिसी चेंज की है ये क्यों की है, किस तरीके से हमको पीड़ा दे रही है, और कोई ऐसी योजना वो लेकर के आए, पानी के लिए जो समस्याएं हैं उनके लिए भी जो रेशियो चेंज करने की बात आ रही है, या ज्यादा फंड देने की, या विशेष पैकेज देने की बात है, या जो कृषि के बिलों की भी बात है उसमें भी वो लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं जो किसानों को तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो उनको भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और उनका चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको राज्यों को, जिस राज्य से हम चुनाव जीत करके गए हैं उस राज्य के लोगों को परेशानी में हर वर्ग को कैसे मदद मिले, ये बात उनको चाहिए। यही हम आग्रह करते हैं, हमने कभी आरोप किसी चीज का नहीं लगाया, हम तो केवल ये की बात कहते हैं कि आप स्टेट को मदद दीजिए और स्टेट और केंद्र मिलकर के हम लोगों की जान बचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें। तो यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। 2-3 चीजें जो आ रही हैं, एक तो जो विदेश में खाड़ी देशों में जो लोग जाना चाह रहे हैं उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो आज से इस बात को स्वास्थ्य विभाग ने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, शुरू कर दिया अलग से कैंप लगा करके उनको प्रायोरिटी देने का काम हो। तो ऐसे जो वर्ग हैं या विकलांग जो लोग हैं जो आ नहीं सकते सेंटर तक, उनको घर के लिए कैसे व्यवस्था हो। एक स्कूलें खुल गई हैं तो जो शिक्षक
स्कूलों में जा रहे हैं, अगर उनकी दूसरी डोज नहीं लगी है तो उसके दूसरी डोज की हम कैसे प्राथमिकता तय करें, अगर एक भी नहीं लगी है तो उसके हम डोज लगाने की बात करें, क्योंकि स्कूलें खुल नहीं रही हैं और दूर दूर तक दूरस्थ में फैला हुआ हमारा जो सिस्टम पूरे प्रदेश में जिस तरीके से है, तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो सरकारी उसमें हो नहीं सकती, लेकिन उसके लिए भी हम लोग हमारे विभाग की तरफ से जितना प्रयास हम कर सकते हैं, वो ई कक्षा के माध्यम से हो, स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, दूरदर्शन हो, वर्कबुक हो, आओ घर से सीखे, बैक टू होम, मतलब कई तरह के हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित भी रहे और आगे उनका भविष्य स्वर्णिम भी हो, इसके लिए पढ़ाई भी बाधित नहीं हो, तो तमाम लोग हम मिलकर के एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा तमाम लोग जो इसी से जुड़े हुए हैं, यही एक समय है जिसमें जनप्रतिनिधि की परख होती है, अधिकारी की परख होती है, व्यक्ति की परख होती है। तो हमारे तमाम जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने अपने आप को साबित किया है। शिक्षा विभाग के 70,000 जो शिक्षक थे, पीओ वगैरह थे, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाई, उन्होंने भी अपना जो है वो समय देकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अब हम सब मिलकर के